गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं क्लास टेंथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन, दैट इज स्टूडेंट डाउट सेशन। हमें बच्चों के बहुत सारे डाउट्स मिले हैं थ्रू राजवीर सर, थ्रू कमेंट बॉक्स। तो आज हम उन सबको इंटीग्रेट करके एक क्लास लेकर आए हैं, दैट इज योर स्टूडेंट डाउट सेशन क्लास। ओके, इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। बेसिकली ये आपके टेंथ का सिलेबस का नहीं है, ना ही आपके एग्जामिनेशन बोर्ड में आएगा। ये एक्स्ट्रा है जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हमने रेनबो में इस फिनोमिना को डील किया था। तो इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसको हम TIR भी बोल देते हैं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पहले हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब लाइट किसी सरफेस के ऊपर गिरती है तो रिफ्लेक्ट करके वापस उसी सेम मीडियम में चली जाती है, दैट इज योर रिफ्लेक्शन। ओके, सेकंड हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन, कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर ऑप्टिकल मीडियम, अगर वो रेयर टू डेंसर जाती है तो एक बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर डेंसर टू रेयर जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो हम इन दोनों को डील करेंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के होने की कंडीशन क्या है, कि फर्स्ट कंडीशन है लाइट शुड गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, ठीक है, कि लाइट कैसा जाना चाहिए, डेंसर से रेयर जानी चाहिए। सेकंड थिंग, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस उसके क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। अभी मैं इन दोनों को डील करती हूँ, क्रिटिकल एंगल क्या होता है उसको भी डिटेल में देखते हैं। जब मैंने कहा कि लाइट शुड गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, तो मैंने ऐसा क्यों कहा है, यहाँ देखो कि जब हमारे पास ये रेयर है और ये हमारे पास क्या है, डेंसर, तो लाइट और ये हमारे पास नॉर्मल है, तो लाइट इस तरीके से बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। बट अगर हमारी जो लाइट है वो कैसे जा रही है, डेंसर टू रेयर मीडियम, ठीक है, लाइट अब इस तरीके से जा रही है, ये हमारे पास नॉर्मल है, तो लाइट कैसे चलेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इसी को हम क्या देख रहे हैं, कि जब लाइट डेंसर टू रेयर जा रही है तो ये क्या हो रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये एंगल आपका आर है, ये एंगल आपका आई है। नाउ क्या होगा, हम सेकंड में क्या देखेंगे, कि जैसे मैंने इस एंगल आई को और बढ़ाया, ठीक है, मैंने एंगल आई को और इंक्रीज किया, तो ऑब्वियसली मेरा एंगल आर भी इंक्रीज हो गया। ये वाले हमारे पास क्या है, सेकंड फिगर, कि अगर मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को और इंक्रीज किया तो एंगल आर भी इंक्रीज करेगा। देन हम एक थर्ड डायग्राम पर पहुंचेंगे, कि एक ऐसा एंगल, ठीक है, जहां पर हमारा जो एंगल आर है इट बिकम्स 90 डिग्री, इसी को हम क्या बोल देते हैं, क्रिटिकल एंगल। तो एंगल आर इस केस में क्या है, 90 डिग्री है, यानी वो कैसे जा रहा है, अलोंग द इंटरफेस, जो लाइट है वो कैसे जा रही है, अलोंग द इंटरफेस। तो आपने देखा फर्स्ट डायग्राम हमारे पास क्या शो कर रहा है, कि एंगल आई है तो ऑब्वियसली एंगल आर बड़ा होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। फिर एंगल आई को मैंने अगर और इंक्रीज किया तो एंगल आर भी क्या हो गया, और इंक्रीज करेगा। देन हम एक ऐसे एंगल पर पहुंचेंगे जहां पर एंगल आर का क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा, तो उसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। क्लियर पॉइंट, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, कि जब लाइट डेंसर टू रेयर जाती है और जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो उस केस में क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, तो इसी को हम क्या बोल देंगे, क्रिटिकल एंगल। नाउ यहाँ पर आप स्नेल्स लॉ लगाओ, इसका मीडियम मैंने N1 ले लिया है, ये मीडियम मैंने क्या ले लिया, N2 ले लिया है। तो अगर आप यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाते हो, यूजिंग स्नेल्स लॉ, तो आप क्या देखते हो, इसका मीडियम और इसका एंगल, N1 इनटू में साइन सी इज इक्वल टू N2 इनटू में साइन आर, दैट इज योर स्नेल्स लॉ। ओके, N1 यहाँ पर हमारे पास डेंसर मीडियम है और ये हमारे पास क्या है, रेयर मीडियम है, ठीक है। लेट मैंने माना कि हमारे पास कैसे जा रही है, वाटर टू एयर जा रही है।
ठीक है, यानी कि M1 आपका हो गया NW water और M2 आपका हो गया MA यानी air, जिसका refractive index क्या होता है 1. ओके, यहाँ पर मैंने रख दिया M1, NW, sin C को मैंने as it is रख दिया है, M2 आपका क्या है MA, ओके, now sin R, R की value क्या है 90, R की value क्या है 90 degree. तो एम ए की वैल्यू क्या थी 1, साइन 90 पे आपका क्या होता है 1. तो यहाँ से आपका आ गया एम डब्ल्यू साइन सी इज इक्वल टू 1. तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल कर आया है, साइन सी इज इक्वल टू 1 बाय एम डब्ल्यू. तो दैट मीन्स जो क्रिटिकल एंगल है वो अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है. यहाँ से आप देख रहे हो कि दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता जाएगा उसका क्रिटिकल एंगल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा. एग्जांपल एयर का सबसे कम होता है, ठीक है, तो उसका क्रिटिकल एंगल क्या होगा, हाई होगा. डायमंड का सबसे ज़्यादा क्रिटिकल एंगल, ठीक है, डायमंड का सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो उसका क्रिटिकल एंगल सबसे कम होगा. तो ये रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस रिलेशन के थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, उस क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं. एग्जांपल अगर मैंने एक प्रिज्म कंसिडर किया है, ठीक है, दिस इज योर ग्लास प्रिज्म और आपको इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है एन इज इक्वल टू रूट टू, तो आप इसका क्या निकाल सकते हो क्रिटिकल एंगल, बिकॉज यू नो दिस फॉर्मूला साइन सी इज इक्वल टू 1 बाय एन. तो आप यहाँ पर पुट करोगे 1 बाय रूट टू. अच्छा, साइन की वैल्यू 1 बाय रूट टू कब आती है, साइन 45 की वैल्यू आपकी क्या होती है 1 बाय रूट टू. तो आप यहाँ पर पुट कर दोगे साइन सी इज इक्वल टू साइन 45, तो सी की वैल्यू आपकी क्या होगी 45 डिग्री. क्लियर है? तो ये हमारे पास अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है, कि जब लाइट डेंसर टू रेयर जाती है और एक पर्टिकुलर एंगल पे रिफ्रैक्शन एंगल क्या हो जाता है 90 डिग्री और हर मटेरियल का या हर मीडियम का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसलिए उनका खुद का अपना क्रिटिकल एंगल होता है. चलो हम एक प्रॉब्लम देते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम 1. ओके, हमने यहाँ पर कंसिडर किया है, ठीक है, मैं यहाँ पर दो ग्लास प्रिज्म को कंसिडर कर रही हूँ. फर्स्टली मैं आपको ये कंसिडर कर रही हूँ, यहाँ पर ग्लास प्रिज्म है ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इज इक्वल टू रूट टू और यहाँ का 30 डिग्री है, ठीक है. ओके, ये ग्लास प्रिज्म है जिसकी एन की वैल्यू रूट टू है. तो एन की वैल्यू रूट टू आते ही आप समझ गए होंगे कि हमें सबसे पहले क्या निकालना है, क्रिटिकल एंगल, और जो कि साइन 45. तो यहाँ से हमें पता चल गया कि सी आपका क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल आपका कितना होना चाहिए 45 डिग्री. ओके, प्रॉब्लम 1 क्या कहती है कि हमारे पास एक राइट एंगल ग्लास प्रिज्म है ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इज इक्वल टू रूट टू, आपका ये एंगल 30 दे रखा है, ये 90 है तो ऑब्वियसली ये 60 है. लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन दिस सरफेस, इस वन सरफेस के ऊपर लाइट कैसे फॉल कर रही है, नॉर्मली फॉल कर रही है और आपको एंगल आर फाइंड आउट करना है और कंप्लीट द पाथ डायग्राम. क्वेश्चन क्या कहते हैं, कंप्लीट द पाथ डायग्राम और साथ में आपको एंगल आर की वैल्यू निकालनी है. ओके, जब लाइट नॉर्मली फॉल करती है, मान लो कि ये आपका, जब लाइट किसी सरफेस पर नॉर्मली फॉल करती है और वो दूसरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जाती है तो कैसे जाएगी, स्ट्रेट, इट गोज अनडेविएटेड. कैसे जाएगी वो, अनडेविएटेड जाएगी. यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है क्योंकि लाइट कैसे जा रही है, फ्रॉम एयर टू ग्लास प्रिज्म. ओके, तो अगर ये अनडेविएटेड जाएगी तो ये इस तरीके से स्ट्रेट जाएगी, तो ऑब्वियसली ये भी आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री. तो यहाँ तक तो हमारा पाठ समझ में आ गया है. नाउ जब इस सरफेस के ऊपर गिरेगी तो ये नॉर्मली फॉल नहीं कर रही है, तो इस पॉइंट पर मुझे क्या बनाना पड़ेगा, उसका नॉर्मल. तो मैंने इस पॉइंट पर उसका क्या बना दिया है, नॉर्मल बना दिया है. तो अब ये जो है ये आपका एंगल आई है, दिस इज योर एंगल आई. अगर ये 30 है ये 90 है तो ऑब्वियसली ये आपका क्या हो गया 60,
तो एंगल आई आपका क्या हो जाएगा 30 डिग्री। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के होने की कंडीशन क्या थी, एंगल आई शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, लेकिन यहाँ पर एंगल आई क्या है 30 डिग्री, क्रिटिकल एंगल क्या है 45 डिग्री, तो देयर इज नो इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो क्या हो जाएगा सिंपल रिफ्रैक्शन होगा। तो ऑब्वियसली अब लाइट डेंसर टू रेयर जा रही है तो इट गोज अनडाइवर्टेड और मुझे इस एंगल आर की वैल्यू निकालनी है। आप स्नेल्स लॉ यूज कर सकते हो, ठीक है, वही एन वन साइन आई एन टू साइन आर, एन वन यहाँ पर हम इस पॉइंट पे लगा रहे हैं तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है रूट टू और एंगल क्या है आपका 30, ठीक है, एन टू कितना है 1 और साइन आर आप निकाल सकते हो, तो रूट टू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इज इक्वल टू साइन आर, तो यहाँ से आप कट करोगे तो कितना आ जाएगा 1/√2 साइन आर। साइन आर की वैल्यू 1/√2 कब होती है जब एंगल आर क्या हो 45 डिग्री, तो यहाँ से आपका एंगल आर कितना आ चुका है 45 डिग्री, क्लियर है। तो हमने पाथ डायग्राम भी कंप्लीट कर दिया है, ठीक है, और एंगल आर की वैल्यू भी निकाल दी। सिमिलर प्रॉब्लम है, बस मैंने यहाँ पर आपका एंगल चेंज कर दिया, वही सिमिलर प्रॉब्लम है कि आपको क्या निकालना है, फिर से पाथ डायग्राम कंप्लीट करना है, राइट एंगल प्रिज्म है, बस मैंने एंगल की वैल्यू चेंज कर दी है, पहले यहाँ पर क्या थी 30, अब मैंने क्या कर दी है 60, और लाइट कैसे फॉल कर रही है नॉर्मली फॉल कर, सेम है, अब हमें पाथ डायग्राम कंप्लीट करना है और एंगल आर की वैल्यू भी निकालनी है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कितना है रूट टू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कितना है रूट टू है, तो ऑब्वियसली क्रिटिकल एंगल क्या आएगा 45 डिग्री, अगर लाइट नॉर्मली फॉल कर रही है तो कैसे जाएगी अनडाइवर्टेड, ये 90 है तो ये 30 है तो ये आपका कितना आ गया 60, नाउ एंगल आई की वैल्यू क्या है 60 और C की वैल्यू कितनी है 45, तो इसका मतलब अब ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, देखो लाइट डेंसर टू रेयर भी जा रही है और साथ में एंगल आई ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है, तो ऑब्वियसली क्या होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मींस इस पॉइंट के ऊपर जितनी भी लाइट फॉल करेंगी वो सारे के सारे टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो आपको पता है उतना ही सेम एंगल बनाकर हमारी क्या हो जाएगी रिफ्लेक्ट, क्योंकि एंगल आई एंगल आर के इक्वल होता है। मान लो कि हमारे पास इस तरीके से है और लाइट ऐसे जा रही थी डेंसर और ये आपका रेयर, लेकिन लाइट इस तरीके से रिफ्लेक्ट करके गई है तो ऑब्वियसली एंगल आई और एंगल आर दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, तो यहाँ पर क्या बनाया है आपका 60। अब ध्यान से देखो ये 90 है ये 60 है, तो ऑब्वियसली ये आपका क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये 60 है तो ये आपका क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 प्लस में 30 कितना हो गया 60, तो ये आपका कंप्लीट एंगल कितना हो गया 120, ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा 30, तो नाउ आपका एंगल आई अब कितना आ चुका है 30 आ चुका है, तो अब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा नहीं है, इसका मतलब अब यहाँ पर और कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, डायरेक्ट क्या हो जाएगा रिफ्रैक्शन, तो लाइट जब इस तरीके से इंसिडेंट करेगी डेंसर टू रेयर जाएगी यानी रूट टू से वन जाएगी तो क्या होगी अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, और आप जब इसको निकालोगे आपका सेम एंगल आर कितना आ जाएगा 45 डिग्री, तो ये हमने क्या किया है पाथ डायग्राम को कंप्लीट किया है, ठीक है, तो ये आपको प्रॉब्लम हमने दो प्रॉब्लम ले ली है ग्लास प्रिज्म की, ठीक है, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आपका, अच्छा क्रिटिकल एंगल हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज मिनिमम फॉर इज मिनिमम फोर, ऑप्शन दे रखे हैं रेड ग्रीन येलो
एंड वॉलेट। ओके अब यहाँ पर देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज मिनिमम। देखो लाइट जा रही है डेंसर टू रेयर, अब ये बताना है कि क्रिटिकल एंगल इन तीनों इन चारों में से किसका सबसे कम है। ठीक है आपको एक फॉर्मूला पता है साइन सी इज इक्वल टू वन बाई एन, तो दैट मीन्स जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा क्रिटिकल एंगल उसका सबसे कम होगा। क्लियर है, तो एक और हमें रिलेशन पता है एन इज इक्वल टू सी बाय बी एंड वी आपका होता है वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। टेंथ नाइन्थ क्लास में आपने ये रिलेशन किया हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे म्यू और लैम्डा। फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहती है और आपकी स्पीड ऑफ लाइट हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो दैट मीन्स हमारे पास एक रिलेशन निकल कर आया है कि एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ठीक है फर्स्ट मैं कंडीशन ले लूं लैम्डा रेड, ऑब्वियसली सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है रेड की होती है, तो ऑब्वियसली यहां से आपका पता चल जाए कि एन क्या हो गया यहां से मिनिमम, लैम्डा रेड की मैक्सिमम होती है वेवलेंथ, तो ये ज्यादा होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर कम हो गया तो साइन सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है एन, अगर ये मिनिमम है तो क्रिटिकल एंगल आपका क्या हो गया मैक्सिमम, यानी लैम्प रेड के लिए जो क्रिटिकल एंगल है वो क्या है मैक्सिमम है। सिमिलरली हम किसकी बात करते हैं सेकंड, हम बात करते हैं लैम्डा वी यानी वॉयलेट की बात करते हैं, इसकी सबसे कम होती है मिनिमम होती है, तो ये अगर मिनिमम होगी तो एन क्या हो जाएगा मैक्सिमम, तो एन आपका क्या हो जाएगा मैक्सिमम, तो साइन सी आपका क्या हो जाएगा मिनिमम। तो आपने यहां से देखा कि रेड का क्रिटिकल एंगल ऑफ रेड होता है हमारे पास मैक्सिमम और वॉयलेट का क्रिटिकल एंगल आपका क्या होता है मिनिमम, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है अच्छे से समझ में आ गया होगा आपका कि साइन सी और एन के बीच में एक रिलेशन है और एज वेल एज एन और लैम्डा के बीच में भी एक रिलेशन है, तो यहां से हमने इजीली एक टॉपिक कर लिया है दैट इज योर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और नेक्स्ट हम बाद में करते हैं। हाँ नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे।